हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू फास्ट एंड टेक रिव्यू। गाइज, ये है किया सोनेट की स्पेशल एडिशन ऑरॉक्स एडिशन और आज हम करेंगे इसके फास्ट एंड टेक रिव्यू। इसे पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था और ये इसके 2023 की स्पेशल ऑरॉक्स एडिशन है। इसकी असेंबली इंडिया और वियतनाम में की जाती है। ये टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर की गई है। इसकी टर्बो वेरियंट की एक्स शोरूम कीमत 11,85,000 रुपए रखी गई है, वहीं इसके टर्बो डीजल वेरियंट की कीमत 12,65,000 रुपए रखी गई है। ये इसकी ब्लैक कलर टर्बो डीजल वेरियंट है। बहुत कुछ और भी करूंगा डिस्क्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक देखिए तो यहाँ फुल ऑन एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल विद टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इसके नीचे हैलोजन बेस्ट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स और सेंटर में ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल विद ऑरेंज इंसर्ट एंड क्रोम फ्रिंज दिया गया है। इसके नीचे बॉडी कलर्ड बम्पर और एग्रेसिव लुक सिल्वर बम्पर गार्ड विद ऑरेंज इंसर्ट दिया गया है। बात करें डायमेंशन की तो इसमें 4,595 mm लेंथ, 1,790 mm विड्थ, 2,500 mm व्हील बेस और 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 15-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद ऑरेंज इंसर्ट और फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक्स ऑफर किया गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल देखें तो यहाँ IMT की बैजिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर स्ट्रिप, सिल्वर रूफ रेल्स, क्रोम डोर हैंडल्स, ऑरेंज एसेंट्स, सिल्वर फिनिश और बॉडी क्लाइडिंग दी गई है। इसके अलावा बात करें टेल लैंप असेंबली की, इसमें 5 points DRL और LED स्टॉप लैंप के साथ हैलोजन बेस्ट इंडिकेटर और पार्किंग लैंप मिल जाता है। इसके अलावा सेंटर में कैमरा और यहाँ डिफॉगर के साथ ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर और सरफेस एंटीना प्लेस किया गया है। इसके अलावा नीचे पार्किंग सेंसर, ब्लैक बम्पर, रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर डिजाइन सिल्वर बम्पर गार्ड मिल जाता है। यह फ्यूल फिलर कैप विद 45 लीटर कैपेसिटी टैंक। यह इसकी प्रीमियम फिनिश रिमोट की, इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन बटन के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट विद कूलिंग बटन दिया गया है। बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की तो इसमें सॉफ्ट टच विद स्टिचिंग, स्मॉल स्पेस, ऑल पावर विंडो कंट्रोल्स विद ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन मिरर एडजस्टमेंट और नीचे बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर के साथ 4 speakers एंड 2 tweeters म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया है। यह व्हाइट लेदर अपहोस्ट्री, इसमें डिसेंट साइज अंडर थाई सपोर्ट, हाइट एडजस्टमेंट, एयरबैग्स, सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। यह एनालॉग एंड MID बेस्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें स्पीड, RPM, ट्रिप टाइम, रेंज, एवरेज, TPMS, हेडलाइट इंडिकेटर, सीट बेल्ट इंडिकेटर, फ्यूल लेवल, बैटरी लेवल, DEF लेवल, टोटल किलोमीटर और टर्न इंडिकेटर जैसे सभी रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल, मैनुअल वाइपर कंट्रोल और ब्लैक लेदर पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इसमें इंफोटेनमेंट कंट्रोल, वॉइस कमांड, हॉर्न बटन, क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट क्लस्टर कंट्रोल और टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ ग्लॉसी ब्लैक बेजल फिनिश के साथ 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया गया है। सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ, FM रेडियो और पार्किंग डिस्प्ले जैसे फीचर्स। इसके नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, हजार्ड लाइट बटन, स्पेस, 12 वोल्ट पोर्ट और USB पोर्ट दिया गया है। यह 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके पीछे डुअल ग्लास होल्डर्स, आर्मरेस्ट विद स्पेस और हैंड ब्रेक मिल जाता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड डैशबोर्ड में डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स के साथ ऊपर डे एंड नाइट मैनुअल IRVM, ड्राइवर साइड सनवाइजर, सनग्लास होल्डर, डुअल रीडिंग लैंप्स, माइक और सनरूफ कंट्रोल बटन दिया गया है। वहीं ड्राइवर साइड डैशबोर्ड में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ बटन, हेडलैम्प लेवलर और AC वेंट्स प्लेस किए गए हैं। इसके अलावा रियर पैसेंजर डोर ट्रिम देखें तो इसमें सन ब्लाइंड, पावर विंडो बटन, बॉटल होल्डर, सॉफ्ट टच और स्पीकर दिया गया है। वहीं कैबिन में सेम सीट्स विद ट्रिपल एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट बेल्ट, डुअल AC वेंट्स, USB पोर्ट और स्पेस के साथ सेकेंडरी रीडिंग लाइट और ग्रैब हैंडल्स दिया गया है। बात करें बूट की तो इसमें 392 liters लगेज स्पेस के साथ टूल किट, लाइट, पार्सल ट्रे और 15-inch स्टील स्पेयर व्हील मिल जाता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 airbags, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग, फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा इंजन भी देखें तो इसमें 16 वॉल्ट डीजल इंजन ऑफर किया गया है जो 115 bhp पावर और 250 Nm टॉर्क के साथ 18 km/l एवरेज प्रोड्यूस करेगी। सो गाइस, ये थी किया सोनेट की स्पेशल ऑरॉक्स एडिशन की फास्ट एंड टेक रिव्यू। आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।